होनी तो होनी है, कोई नहीं टाल सकता, और ये अनहोनी है, भयानक अनहोनी। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। कोई तो है जिसने बेहोशी की हालत में मेरे साथ गंदा काम किया है। काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की। एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई वेब सीरीज आश्रम का पहला और दूसरा पार्ट आपने देखा ही होगा, और अब उत्सुक होंगे आप उसका तीसरा पार्ट देखने के लिए। ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है जो कि काशीपुर वाले बाबा निराला के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे बाबा के भक्त उस पर अंधा विश्वास करते हैं, और जो बाबा कहते हैं उसे वो सच मान के उसी पर अमल करते हैं। इस वेब सीरीज़ के पहले और दूसरे सीजन को जितना प्यार मिला है, इतना प्यार किसी और वेब सीरीज़ को अब तक नहीं मिला है। प्रकाश झा द्वारा निर्मित इस वेब सीरीज़ में बहुत ही बड़े बड़े एक्ट्रेस तथा एक्ट्रेसेस ने काम किया है, लेकिन सीजन 3 में जिस किरदार को सबसे ज़्यादा सराहा जाना है वो है प्रीति सूद का किरदार। जी हाँ, सनोवर का किरदार, जो कि अपने पहले दो सीज़न में बहुत ही शांत स्वभाव और चुप चुप रहने वाली लड़की का किरदार किया है, लेकिन सीज़न 3 में वो एक सीरियल किलर के रूप में उभरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में मीडिया को बताया कि जितना शांत वो पिछले दो सीज़न में रही है, उससे कहीं ज़्यादा शोर शराबा कत्लेआम वो अपने इस सीज़न में करने वाली हैं, और उनके इस रोल को बहुत ज़्यादा सराहा जाने वाला है। वेल दोस्तों, तो आश्रम सीज़न 3 में ये राज खुलेगा कि सनोवर अपने दो सीज़न में चुप चुप क्यों रही थी। ये पर्दा इस सीज़न में उठने वाला है। इस वेब सीरीज़ में बॉबी देओल के अलावा जिसका किरदार सबसे ज़्यादा सराहा गया है वो है त्रिधा चौधरी। जी हाँ, पम्मी का किरदार इस सीरीज़ में लाजवाब रहा है और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आश्रम सीज़न 2 की कहानी ख़त्म हुई थी पम्मी के भाग जाने से, हुकुम सिंह के चुनाव जीत जाने से और सत्ती की मौत से। जी हाँ, सत्ती की मौत एक नया ट्विस्ट लाने वाली है, क्योंकि बबीता ने बाबा से समझौता अपने पति के लिए ही किया था, लेकिन जब वो पति ही नहीं रहा तो वो इस ज़िंदगी का क्या करेगी। इसलिए इस सीज़न में वो बाबा और भोपा से अपनी पति की मौत का बदला लेगी। साथ ही साथ पम्मी भी अक्की के साथ मिलकर बाबा के राज फाश करने की कोशिश करेगी और उसे उसका सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश करेगी। अक्की पम्मी को अपने साथ ले जाकर इंस्पेक्टर उजागर सिंह और साधु से मिलाएगा, जो कि उसे डॉक्टर नताशा के पास लेके जाएंगे, और वो सभी प्लान बनाकर बाबा का पर्दाफाश करने की कोशिश इस सीज़न में करेंगे। ईश्वर और सनोवर भी अपनी तरफ से बाबा का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। इस सीज़न में सभी लोग बाबा के खिलाफ हो जाएंगे और हर कोई अपनी तरफ से बाबा का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा। इस सीज़न में आपको एक नया चेहरा भी देखने को मिलेगा, जो कि बाबा की पत्नी के रूप में होगा। वो सबके सामने आकर बाबा की सच्चाई बताएगी कि बाबा निराला सच में बाबा निराला नहीं बल्कि मोंटी हैं, और भोपा और साध्वी माता की भी सच्चाई इस सीज़न में आपको पूरी पता चलेगी। प्रकाश झा ने इस सीज़न में इतने सारे ट्विस्ट और सस्पेंस बना के रखे हैं कि आपको इस सीज़न 3 को देखने का इतना मज़ा आएगा कि आप उस सीज़न को बार बार ज़रूर देखेंगे। तो आपको बता दें कि इस सीरीज़ का सीज़न 3 दो महीने के बाद रिलीज़ होने वाला है। जी हाँ, फरवरी 2021 में इसका सीज़न 3 का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज़ होने वाला है, और जल्द ही आपको सीज़न 3 देखने को मिलेगा। अगर आपको आश्रम वेब सीरीज़ का सीज़न 1 और 2 बेहद पसंद आया है और सीज़न 3 का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।